आतंकी संगठन आईएसआईएस पर अमेरिका करेगा कार्रवाई। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा हम आईएसआई को मिटा देंगे। भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। गूगल के 50 लाख पासवर्ड चोरी। हैकर्स ने गूगल के 50 लाख यूजर्स का पासवर्ड चोरी कर उन्हें बनाया सार्वजनिक। सात साल में पहली बार डीजल का दाम घट सकता है। डीजल का भाव हर महीने प्रति लीटर 50 पैसा कम हो सकता है। और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहरें गायब। परिवार के लोगों का एक दूसरे पर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव कुछ खास खबरों के साथ। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से निपटने के लिए एक बार फिर से गांधी और नेहरू के नाम का सहारा लेने की तैयारी में है। पार्टी में राहुल गांधी की लगातार नाकामयाबी से बचने के लिए भविष्य की रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी। पेश है खास रिपोर्ट। कांग्रेस में चल रहे आंतरिक संघर्ष के बीच मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस एक बार फिर गांधी और नेहरू के नाम का सहारा लेने के फिराक में है। पार्टी में आंतरिक कलह, संघर्ष और राहुल गांधी की लगातार नाकामी के बीच भविष्य की बात करने वाली कांग्रेस अब अपने अतीत पर दाव लगाने को मजबूर है। सरकार से लड़ने के लिए मुद्दे तलाश रही कांग्रेस योजना आयोग और विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर हमले की तैयारी में है। पार्टी के कई नेता मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने राहुल की तुलना मोदी को युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय बताकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। मोदी सरकार को एकजुट घेरने में असफल कांग्रेस अब इतिहास के पन्ने खंगाल रही है। ऐसे में कांग्रेस नेहरू की 125वीं जयंती को एक मौके के रूप में देख रही है। पार्टी ने इसे साल भर चलने वाले कार्यक्रम के रूप में मनाने और देश भर में राजनीतिक अभियान चलाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए जो टीम बनाई है उसमें उनके और राहुल के करीबियों को जगह दी गई है। इस टीम में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा, जयराम रमेश, महासचिव मुकुल वासनिक और राहुल के करीबी मोहन गोपाल शामिल है। सरकार में रहने के दौरान नेहरू की 125वीं जयंती कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया था। हालांकि मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी पार्टी के लिए सरकार के खिलाफ खड़ा होना अब भी चुनौती बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जहां एक और मनसे छोड़ हाजी अरफात शिवसेना में शामिल हो गए, वहीं नासिक में बीजेपी ने भी मनसे से अपना नाता तोड़ दिया है। महाराष्ट्र की कायापलट करने का दावा करने वाले राज ठाकरे को लगातार चुनाव से पहले मिल रही है कड़ी चुनौती। राज ठाकरे के ब्लूप्रिंट बनाने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र का विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रख दिया है। अब उद्धव ने एक और झटका दिया है। कभी मनसे में अहम भूमिका निभाने वाले हाजी अरफात शेख शिवसेना की छत्र छाया में आ गए हैं। ये झटका राज को चुनाव से पहले महंगा पड़ सकता है। राज ठाकरे की मुसीबतें यहीं कम नहीं हुई है, उन्हें एक और झटका लगा है। नासिक में जहां उनकी सत्ता महानगर पालिका में थी, कभी उनके साथ गठबंधन निभा रही बीजेपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। शायद ये उद्धव का बढ़ता दबाव है। अगर बात करें नासिक महानगर पालिका की, तो नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो तय करेगा
कि अगला मेयर नासिक से कौन होगा। मनसे 39 सीटें, बीजेपी 19, शिवसेना आरपीआई 23, एनसीपी 20, कांग्रेस 13, सीपीएम 2 और निर्दलीय 6 है, यानी कुल मिलाकर 122 सीटें हैं। अगर बीजेपी शिवसेना एक हुई तो बीजेपी शिवसेना और आरपीआई की 19 और 23 सीटें मिलाकर 42 सीटें होती है, क्योंकि निर्दलियों के साथ लेकर भी 62 का मैजिक फिगर नहीं मिलता। इसलिए अब मेयर चुनाव की चाबियां कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में चली गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मनसे एनसीपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र के राजनीति को नया मोड़ देगी। मराठी मुद्दों को लेकर अपना अस्तित्व बनाने वाले राज ठाकरे को लगातार शिवसेना की तरफ से मात मिलती जा रही है और शिवसेना अपनी बढ़ती ताकत से आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता बनाने का दावा कर रही है। उनके ये दावे उस वक्त ही पूरे हो सकते हैं जब मराठी वोटों का विभाजन ना हो, ये बात उद्धव बखूबी जानते हैं। लेकिन बगावत के जो सुर मनसे में उठना शुरू हुए हैं, वो आने वाले दिनों में राज की मुश्किलें और भी बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। देश भर में गोहत्या पर रोक ना लगने से नाराज चल रहे उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी, जिसके वजह से उन्होंने देशवासियों को गोहत्या पर रोक लगाने की अपील की है और उनकी क्या भावनाएं हैं इससे जुड़ी हुई, देखते खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर अजीज कुरैशी ने गौ हत्या पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाने पर अफसोस जाहिर किया है। गाय को भारतीय संस्कृति का आधार बताते हुए डॉक्टर कुरैशी ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। अतीत के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या बंदी कानून बनाने के लिए उन्होंने विशेष अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि वो पिछले 40 वर्षों से गौ संवर्धन और गंगा स्वच्छता अभियान के लिए विभिन्न मंचों से आवाज उठाते रहे हैं। मेरी कोई हैसियत हुई राजनीति में, मैं इसको सपोर्ट करता आ रहा हूँ, मतलब बोलता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, हर फोरम में मैंने कहा है इस बात को। पिछले 40 वर्षों से मतलब ये एक तो बीफ के ऊपर, एक शिकार के ऊपर, मतलब ये वाइल्ड लाइफ तो मैंने टच भी नहीं करता इन दोनों बातों को आगे। गौ हत्या करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कहते हुए महामहिम डॉक्टर अजीज कुरैशी ने कहा कि जो लोग गाय की हत्या करते हैं, कानून को उसके साथ किसी तरह की रहम दिली नहीं दिखानी चाहिए। कि गौ वध पर टोटल पाबंदी लगाई जाए, गौ वध को टोटली बैन किया जाए पूरे भारत के अंदर आके, क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट इशू है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है हिंदू भाइयों की। ये अगर कर दोगे तो तुम बहुत उनका विश्वास जीत पाओगे आगे। ये हिंदुस्तान के उन सारे लोगों को जो गाय का मांस खाते हैं, वॉल्टरली आगे आकर करोड़ों हिंदू भावनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए वॉल्टरली इस पर कहना चाहिए कि हम टोटली फाइट करेंगे इसके लिए, स्ट्रगल करेंगे इसके लिए, और जो असामाजिक तत्व कानून को तोड़ते हैं, भावनाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनका उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनका समाज से बहिष्कार करेंगे उनका। गंगा की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए राज्यपाल महामहिम डॉक्टर अजीज कुरैशी ने कहा कि गंगा आम आदमी की आस्था और समाज के आर्थिक उत्थान से भी जुड़ी है। 1.5 साल पहले मुझे बुलाया शंकर आचार्य जी ने महाकुंभ इलाहाबाद, फूलाए तो मैं आना था, मैं कभी वहाँ क्या करूँगा आगे। उन्होंने कहा नहीं, तुमको आना है, यहाँ के बोलना है मेरे समय ईश्वर में आगे। फिर मैं गया तो उनका लंबा जोड़ा एजेंडा है उनका आगे, तो मैं उस पर वहाँ बोला था मैं आगे कि ये गौबध जो है ये कोई लीगल इशू नहीं है, कानून से पाबंदी लगाने की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के उन सारे लोगों को जो गाय का मांस खाते हैं, वॉल्टरली आगे आकर करोड़ों हिंदू भावनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए
वॉलंटरी इस पर कहना चाहिए कि हम टोटली फाइट करेंगे इसके लिए, स्ट्रगल करेंगे इसके लिए कि गंगा माता जो है वो खाली हिंदुओं की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, लेकिन खाली हिंदुओं की विरासत नहीं है, संपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान का हर रहने वाला उसका कल्चर, ट्रेडिशन, आर्थिक उसकी समस्याएं, खेती, बिजली, सिंचाई, यातायात सब जुड़ी हुई है। मतलब गंगा हमारी इसलिए हमारे लिए आदरणीय है कि हमारा जीवन का बहुत बड़ी हमारा जो संपत्ति है वो, और हमारा भाग जुड़ा हुआ है उससे आगे। और मैंने कोट किया अल्लामा इकबाल को, पंडित दरू मैंने कहा बहुत इसको पसंद करते थे। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, अरे आबरू दे गंगा वो दिन नहीं याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। आर्यंस की जो रहमत है वो बताया उन्होंने इसको बना दिया। और हज़ारों पोएम थे गंगा के ऊपर, गंगा की पवित्रता पर, महानता पर, वर्जिनता पर, हज़ारों पोएम के उर्दू में हैं, पर्शियन में हैं, जो मौजूद यहाँ पे। तो मेरे गंगा माता की जो अर्लियर उसकी जो शान थी, सफाई थी, महानता थी, उसको रिस्टोर करना चाहिए। राजभवन में चर्चा करते हुए गाय और गंगा पर चिंता जताकर राज्यपाल महामहिम डॉक्टर अजीज कुरैशी ने उम्मीद जताई कि पुनीत कार्य के लिए कानून के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों को आगे आना चाहिए। राजभवन देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नासिक के कोठारी ज्वेलर्स ने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने वहां पर छापा मारकर भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए। ये कार्रवाई धर्मपेट और इतवारी पेट के शोरूम पर की गई है। नासिक में कोठारी ग्रुप के कई शोरूम्स हैं। जहां पर जमीन की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। सेना और प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को अब भी बाहर निकालने में लगातार कोशिश कर रही है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सेना के 30,000 जवान बचाव अभियान में शामिल। वायुसेना के 79 छोटे बड़े विमान राहत बचाव कार्य में शामिल। अब तक 70,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। श्रीनगर के प्रभावित इलाकों में जल स्तर 4 फुट तक गिरा। पानी में जानवरों के शव तैरते नजर आने लगे। अब बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा। पिछले 60 सालों में पहली बार आई भीषण बाढ़ से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में अब हफ्ते भर बाद जल स्तर कम होने लगा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, मगर बाढ़ से तबाही का मंजर अब भयानक होता जा रहा है। सेना के 30,000 जवान व्यापक बचाव अभियान में शामिल है, जिससे अब तक 70,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बावजूद अभी भी 4 लाख के करीब लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। श्रीनगर के प्रभावित इलाकों में जल स्तर 3 से 4 फुट तक गिर गया, जिससे अब शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मगर जल स्तर कम होने के साथ ही बीमारियों का खतरा अब बढ़ने लगा है। पानी में जानवरों के शव भी तैरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर भीषण बाढ़ में फंसे लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं 1,000 से ज्यादा फौजी और उनके परिवार श्रीनगर के अलग अलग सैन्य कैंपों में बगैर खाना पानी के फंसे पड़े हैं। यहाँ बिजली और संचार सुविधाएं पूरी तरह से ठप है, किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मध्य
और दक्षिण कश्मीर में सेना के करीब 20 बड़े और छोटे कैंप हैं, जो पानी में अब डूब चुके हैं। बचाव अभियान में तेजी लाते हुए सेना ने 8वें दिन भी जवानों और विमानों की संख्या बढ़ा दी है। इस समय वायुसेना के 79 छोटे बड़े विमान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रभावित लोगों को ठहराने के लिए सेना ने 18 अलग अलग कैंप स्थापित किए हैं। सेना दिन रात लगातार अभियान चलाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों की जान बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी और महामारी का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। जब भी शहने के सुर हमारे कानों पर पड़ते हैं, हमें बस एक ही नाम याद आता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। जी हाँ, उनकी शहनाई और विश्व प्रसिद्ध भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई रहे समय ढंग से चोरी हो गई। पेश इस पर खास रिपोर्ट। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए शहनाई के विश्व प्रसिद्ध उस्ताद स्वर्गीय बिस्मिल्ला खान की शहनाई के गायब हो जाने की खबर है। इसे लेकर उन्हीं के परिवार के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दरअसल सारा विवाद उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बेटों के बीच का है। ये पूरा मामला उस्ताद के मकान को लेकर शुरू हुआ था। पहले पूरा परिवार एक साथ रहता था। तकरीबन 100 साल पहले बने इस मकान की हालत जर्जर हो रही है, लिहाजा वो इसे तोड़कर नीचे मार्केट और ऊपर उस्ताद का संग्रहालय बनाना चाहते हैं। उनके परिवार के दोनों पक्ष एक दूसरे पर शहनाई गायब करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विरासत की इस लड़ाई से उस्ताद के चाहने वालों का मिजाज बेसुरा हो रहा है। एक वक्त जो शहनाई सिर्फ घरों की ड्योढ़ी के बाहर बजा करती थी, उसे उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने अपने सुरों की फूंक से घर घर के आंगन में पहुंचा दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज उन्हें के आंगन में उनकी विरासत को लेकर बेहद बेसुरा राग छिड़ा हुआ है। ऐसे में यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, ताकि उस्ताद के आंगन में फिर से एक बार सुरीले राग बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार की गई बॉलीवुड स्टार श्वेता बासु प्रसाद के पक्ष में अब उनकी ऑन स्क्रीन मां साक्षी तनवर बचाव में उतरी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पेशे खास रिपोर्ट। पिछले दिनों प्रोस्टिट्यूशन के आरोपों में अरेस्ट की गई मकड़ी फिल्म की चाइल्ड स्टार श्वेता बासु प्रसाद को उनकी ऑन स्क्रीन मां का मिल रहा है सपोर्ट। जी हां, एकता कपूर बैनर्ड कहानी घर घर की सीरियल में श्वेता बनी थी पार्वती की बेटी, यानी कि साक्षी तनवर की रियल लाइफ बेटी। साक्षी तनवर ने श्वेता की पहचान उजागर करने पर आक्रोश जताते हुए
अपना एक लेटर अंग्रेजी अखबार में छपने भेजा। पत्र में साक्षी ने साफ तौर पर लिखा कि मैं उसकी ऑन स्क्रीन माँ रह चुकी हूँ। पिछले 13 सालों से मदर्स डे पर कभी भी वो मुझे विश करना नहीं भूलती। हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय देने या फैसला सुनाने में भी कम उतावले नहीं हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी खुद को उसकी जगह रख कर नहीं देखा। मैं उसकी समस्याओं को नहीं जानती, ना ही किसी समाधान तक पहुंच सकी हूं। मैं उससे बात करना चाहती थी, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की को हाईलाइट करने में मीडिया इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसी तरह ही इस मामले से जुड़े बिजनेसमैन के नाम और चेहरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। साक्षी, लगता है आपने अपने किरदार को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बस हम तो आपको इतनी ही सलाह देंगे कि ये रील नहीं, रियल लाइफ है। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए रिया चौरसिया, 11 न्यूज, मुंबई। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 शातिर आरोपियों को हिरासत में लिया, जो बड़े शातिराना अंदाज में ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिन्होंने मुंबई और पुणे के वाहनों को महाराष्ट्र के बाहर गिरवी रख लाखों रुपए के हेराफेरी के कारोबार किए। आपको जानकर हैरत होगी कि 5 आरोपियों के पास से अब तक तकरीबन 31 गाड़ियां बरामद की है। श्रीनगर में कंप्लेन दाखिल हुआ था सतीश सदानंद सावंत करके आदमी का, जिसकी स्कॉर्पियो गाड़ी एक शंकर और श्रीकांत नाम के दो लोगों ने कहीं भाड़े पे लगा देता हूँ करके लेके गए थे, और कुछ दिनों के बाद ये गाड़ी गुमराह हो गई। उसको कहीं लेके गए पता नहीं चला। वो गुना दाखिल होने के बाद एक महीना इस मैटर पे नई मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच आर्थिक गुना शाखे ने काम किया था, और एक महीना सारी मेहनत लेने के बाद इनके सारे साथीदार जो है 5 लोग इसमें गिरोह गिरफ्तार किए, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी 3 यहाँ के रहने वाले हैं। ये 5 लोगों को इंट्रोगेशन के बाद पता चला कि इन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ लोगों से उठाई है किराए पे लगाने के लिए, और 1-2 महीने का किराया देने के बाद वो गाड़ी यहाँ से लेके जाते थे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते थे, और ऐसी तकरीबन 24 गाड़ियाँ फोर व्हीलर व्हीकल, जिसमें स्कॉर्पियो, उसके बाद स्विफ्ट डिजायर है, टाटा इंडिगो, टाटा इंडिका, वैगनार, हुंडई i20, टाटा मांजा एंड शेवरलेट, ये सारी कंपनियों के 24 व्हीकल्स नवी मुंबई क्राइम ने रिकवर। नवी मुंबई के रहवासियों को आजकल टोल नाके का मुद्दा सता रहा है। नवी मुंबई के लोग टोल नाके से बड़े परेशान हैं, क्योंकि नवी मुंबई से 3 प्रमुख मार्ग निकलता है जो पुणे, मुंबई और ठाणे जाता है। ये वजह है कि जिसके कारण नवी मुंबई के रहवासियों को आते जाते समय 2 बार टोल चुकाना पड़ता है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे हूं, और ये इलाका है खारघर, जहां पर नया टोल लगभग कुछ ही दिनों के बाद, यानी कहना ही होगा कि चुनाव के बाद कोई भी सत्ता में जीत कर आए, चुनाव के बाद ये जो टोल नाका है ये खोल दिया जाएगा। हालांकि अब तक सरकार ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि खारघर और कामोठी में बनने वाला ये टोल नाका रद्द कर दिया जाएगा। हमारे साथ एक राहगीर मौजूद है जो नवी मुंबई में रहते हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर नवी मुंबईकरों का दर्द क्या है और क्यों उसे इतना टोल चुकाना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आया, नवी मुंबई ये शहर सिडको ने विकसित किया हुआ है, सिडको ने विकसित करते समय मुंबई के लिए सब्स्टिट्यूट करके ये विकसित किया गया शहर है, और उसमें सुविधा वगैरह देना ये सिडको का अपना काम है। सिडको का अपना काम है, और ये यशवंतराव चव्हाण जी की संकल्पना है। यशवंतराव चव्हाण जी कांग्रेस के ही थे, आज कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन उस टाइम सहकार क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को राहत दिखाने वाले जो लोग है, आज वही कांग्रेस वाले सरकार में हर जगह टोल डेवलपमेंट करने का, टोल लगाने का, वो पैसा वसूल करने का, कोई भी एक चीज जिसका टैक्स हम लोग भुगत रहे, कोई चीज हमको फ्री नहीं मिल रही है नवी मुंबई में। तो आपको लग रहा है कि ये जो जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि इस टोल को रद्द कर दिया जाएगा, ये वादे झूठे साबित होने वाले हैं? 100% झूठे साबित होने वाले हैं, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का आपस का षड्यंत्र है जी। आज अगर उनको सत्ता उनके हाथ में है, सिडको उनके हाथ में है, MMRDA उनके हाथ में है, अगर उनको टोल हकीकत में रद्द करना है तो सिडको के पास जो एक्सेस फंडिंग 6,000 करोड़ के पड़े हुए हैं उसमें से 1,200 करोड़ रुपया दे देते हैं। मैं आज मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि ये रोड का मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये एक बार मुख्यमंत्री जाहिर करें, तब जाके लोगों के समझ में आ जाएगा कि ये षड्यंत्र है क्या। इससे पहले आपने नवी मुंबई में रहने वाले नागरिक का दर्द सुना कि नवी मुंबई के नागरिक को अगर टोल जो है चारों तरफ से भरने पड़ रहे हैं, और वहीं मैं पहुंच गया हूं अभी रायगढ़ की तरफ, रायगढ़ के निवासी अगर यहां से मुंबई जाते हैं तो उन्हें दो बार मुंबई जाने के लिए टोल देना पड़ता है और वापसी में फिर से दो बार टोल देने होते हैं। तो रायगढ़ के नागरिकों का क्या दर्द है, हमारे साथ मौजूद है विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार जो कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि टोल नाका को रद्द कर दिया जाएगा, अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो तैयारी चल रही है पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के बाद टोल नाके खोल दिया जाएगा, तो यहाँ के नागरिकों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? पहले तो एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, पृथ्वीराज चव्हाण जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी आघाड़ी के मुख्यमंत्री है, और कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। आगे चल के मैं टोल के मुद्दे पे आता हूँ। ये जो टोल रोड बनाया गया है सायन पनवेल, वो ना स्थानिकों के किसी काम का है ना स्थानिकों के मांग पे बनाया है, बल्कि जो मुंबई से पुणे प्रवास करते हैं उनके लिए ये सुविधा की गई है, तो इसका टोल का जो बोझ है वो पनवेल वाले। खेल जगत की 2016 में रियो ओलंपिक होने जा रहा है और इसमें सबसे पहला प्रवेश स्थान प्राप्त कर लिया है भारतीय मूल के निशानेबाज रितु राय ने। विश्व रैंकिंग वाले निशानेबाज जीतू राय अपने अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। 2016 में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले लखनऊ के जीतू राय पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। जीतू ने 91वीं ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक के साथ ओलंपिक का कोटा भी हासिल किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पर निशाना लगाने वाले जीतू का 2014 में लगातार पांचवा अंतरराष्ट्रीय पदक है। साल की शुरुआत में उन्होंने विश्व कप टूर्नामेंट में एक के बाद एक दो पदक जीते थे, लेकिन यहां अपने प्रदर्शन से उन्होंने निश्चित रूप से अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। NRAI यानी राष्ट्रीय राइफल संघ भारत इनके अध्यक्ष रणिंदर सिंह ने जीतू के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। जीतू राय रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट है और ये हम सब भारतीयों के लिए गौरवशाली पल है। स्पोर्ट्स डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। फिलहाल यहां इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।